देखिए एग्जाम तो होगा और लोगों ने कहा था कि आपने तो बहाली निकलवा दी लेकिन परीक्षा नहीं हुई। हेलो मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट के साथियों, आप लोग का बहुत ज़्यादा डाउट था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे कि बिहार सिविल कोर्ट का जो एग्ज़ाम डेट है ये क्या रहने वाला है, बिहार सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो अभी मेरे साथ हैं MLA संदीप सौरभ सर और मैं सारा डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग का जो बिहार सिविल कोर्ट का जो डेट होने वाला है एग्ज़ाम डेट, ये कब होने वाला है और आप लोग को पता है कि आप लोग का जो फॉर्म भरे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं पर अभी तक इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आए हुए हैं, तो मैं सारा डाउट आज क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे साथ हैं MLA संदीप सौरभ सर। सर 7692 पोस्ट पर वैकेंसी आता है सर, 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं सर, अभी तक इसका एडमिट कार्ड नहीं आया है और एग्ज़ाम डेट का भी क्लियर पता नहीं है कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। ये सब सारा मैटर पे स्टूडेंट लोग अपना एक तरह से पढ़ाई से भी हट गए हैं और स्टूडेंट लोग भी एक्टिव नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, यही कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इस पर लेकर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए एग्ज़ाम तो होगा और बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को मैंने ही उठाया था, आज से 1.5 साल पहले इसको उठाया था और सरकार ने जवाब दिया था कि ठीक है इसको हम लोग करेंगे। 7000 से ज़्यादा पद पे बहाली आई है, अलग अलग पद हैं और इस बार भी छात्रों ने हमसे संपर्क किया था विधानसभा सत्र से पहले और लोगों ने कहा था कि आपने तो बहाली निकलवा दी लेकिन परीक्षा नहीं हुई है। तो उसके बाद बिहार विधानसभा में इस सत्र में जो अभी ख़त्म हुआ है उसमें शून्यकाल के दौरान मैंने ये लिख के दिया, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि पूरे सदन को जिस तरीके से चलने नहीं दिया गया और इस तरह के कई जनता के सवाल, आम छात्रों के सवाल, रोज़गार के सवाल, वो सदन में पटल पर नहीं आ पाया। इससे आखिर नुकसान जनता का हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, ऐसा नहीं कि विधानसभा सत्र में अगर ये मामला नहीं उठा तो नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी इस सवाल को लेकर के लेटर तैयार मैंने किया है और जा कर के हम देंगे विभाग में, हम सरकार को कहेंगे कि भाई जल्दी इस पर आप परीक्षा लीजिए। और आप समझिए कि सरकार ने जो कमिटमेंट जारी किया है कि हम 10 लाख रोज़गार देंगे, तो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये दो बड़े विभाग हैं। शिक्षा विभाग में 1,70,000 की बहाली निकली, स्वास्थ्य विभाग में भी 1,30,000 की तैयारी है। इसके अलावा जो छिटपुट अलग अलग विभाग हैं उनको जोड़ करके ही तो ये पूरा हो पाएगा टारगेट। इसीलिए ये जो सिविल कोर्ट में अलग अलग पदों पर जो बहाली है इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो, इसलिए छात्र अपना उम्मीद बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें, हम यही कहेंगे। सर बहुत सारे का ये कहना है कि 18 लाख से ज़्यादा बच्चे लोग फॉर्म भर दिए हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं इतने पोस्ट पे हैं, तो इसके कारण एग्ज़ाम लेने में लेट हो रहा है सर, तो इसमें कितना सच्चाई है सर, ऐसा पॉसिबल? देखिए ये सरकार के पास पहले से अनुमान होना चाहिए जिस तरह के बेरोजगारी का स्थिति देश के अंदर है। यस सर। अब जो बच्चे पहले रेलवे में जाते थे वहाँ दरवाज़ा बंद है, जो बच्चे पहले सेना की बहाली में जाते थे उसको इस तरह से ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया कि वहाँ बच्चे अब जाना नहीं चाह रहे हैं। तो कोई भी एक बहाली निकल रही परमानेंट पोस्ट की तो सब लोग दौड़ रहे हैं उधर, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है, तो उस हिसाब से सरकार की तैयारी भी होगी, होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से बड़ा इशू नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा है तो लोगों ने फी दिया है उसके लिए, उस पैसे से सरकार को तैयारी करनी है, विभाग को तैयारी करनी है, तो मेरे ख्याल से वो जल्दी होगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई संभावित डेट है कि इस डेट तक एग्ज़ाम जो है, ये तो विधि विभाग ही बताएगा, अब हम लोग कहाँ बता पाएंगे। और से बात भी नहीं, आप विधानसभा में अभी भी जा रहे हैं सर, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जल्दी से डेट निकलवा दें, स्टूडेंट लोग बहुत ही ज़्यादा। अभी हम जो विधानसभा में जा रहे हैं वो दूसरे मकसद से जा रहे हैं, वो पुस्तकालय समिति की बैठक है उसमें जा रहे हैं। यस सर। तो उसमें ये मुद्दा है नहीं, मुद्दा जब सत्र चलता है तब विधानसभा में उठता है मामला। सत्र जो था वो 10 से 14 तक चला, 14 वो ख़त्म हो गया, अब चलेगा 3 महीने बाद, अब चलेगा सीधे पावस सत्र। तो मैं चाहता हूं सर कि आप जल्द से जल्द डेट निकलवा दें सर, स्टूडेंट लोग। हाँ हम बात निश्चित तौर से करेंगे, हम मंत्री महोदय से भी बात करेंगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा था अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया सर, एग्जाम में तो और ज़्यादा लेट होंगे भर्ती कराने में। पिछला साल 3 साल लग गए थे सर, जबकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 6 महीना में कोर्ट वाला जो एग्ज़ाम है इसको क्लियर किया। हम तो बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं, हम तो ये मानते हैं कि कोई भी विज्ञापन निकले तो विज्ञापन के ऊपर इस बात को अंकित किया जाए कि ये विज्ञापन ज्वाइनिंग तक अधिकतम कब तक पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि आप विज्ञापन निकाल दिए उसके बाद फॉर्म निकाल, एग्जाम लेने में टाइम लग रहा है, फिर रिजल्ट लाने में टाइम लग रहा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर फाइनल रिजल्ट आ रहा है, मेरिट लिस्ट आ रहा है, फिर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो 4-5 पंचवर्षीय योजना बना दिए। ये हमने बार बार सदन के अंदर सरकार को कहा है कि ये नियम बनना चाहिए कि आप अगर विज्ञापन निकालते हैं तो विज्ञापन के ऊपर उसको कंप्लीट कर लेने का डेट आप डलवाइए, और जो डिपार्टमेंट नहीं डेट डालता है उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, वहाँ के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कीजिए, तो ये होना चाहिए। हम अभी भी सरकार से कहेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक जो सिविल कोर्ट वाला मैटर है इसमें हम लोग जरूर बात करेंगे और एक लेटर सरकार को देंगे।
तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग डॉट में थे, जो लोग हमेशा कमेंट कर रहे थे कि जाकर संदीप सौरभ सर से मिलिए, ये बात रखिए, तो मैं अपना बात रखा जो आप लोग का डाउट था, और संदीप सौरभ सर भर्ती भी निकलवाएं, तो ये काम भी करेंगे। ये डेट भी बहुत ही जल्द ये कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, तो जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सारे स्टूडेंट जुड़े रहें, और भी जो चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट होंगे, मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा।